प्रोनाउंस निकालने के पश्चात आप सेंटेंस के अंदर से प्रोनाउन निकाल सकते हैं। प्रोनाउन क्या है, यानी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज हुआ वही शब्द हमारा प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं और कैसे वाक्य में उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे और कैसे वाक्य में उनका प्रयोग होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन, इसको नाम ही दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल बना है पर्सन से, और पर्सन के बारे में आपने सुना होगा, हमने स्कूल में भी पढ़ा था पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि ये बना है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का बोध कराने वाले प्रोनाउंस को हम लोग क्या कह देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इन पर्सन से ही इसको पर्सनल प्रोनाउन नाम दिया गया है। अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों को दर्शाने वाले प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम इनकी बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन हम किसे कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है अपनी बात प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, अपनी बात रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे इस वक्त जो है मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपनी बातें बता रहा हूँ, इस वक्त मैं जो है अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया इस वक्त, फर्स्ट पर्सन, यानी अपनी बात कहने वाला व्यक्ति, अपनी बात प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, अपनी बात रखने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी बात जब रखेगा तो वो दो तरीके से रख सकता है, या तो बोलकर रखेगा, स्पीक करके, और जब बोल के रखेगा तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर। या फिर अगर कोई बोलता नहीं है तो फिर वो लिखकर भी अपनी बात बता सकता है, अपनी बात पेश कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं राइटर, यानी कि लिखने वाला या बोलने वाला व्यक्ति, अपनी बात पेश करने वाला व्यक्ति, चाहे वो लिखकर बताए या फिर बोलकर बताए, वो क्या है आपके लिए, फर्स्ट पर्सन है। जैसे इस वक्त जो है मैं अपनी बात आपको बोलकर बता रहा हूं तो स्पीकर हूं कि नहीं मैं, और साथ के साथ आपके लिए लिख भी रहा हूं तो राइटर भी मैं ही हूं। तो स्पीकर और राइटर वो हमारे कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी अपनी बात रखने वाला, चाहे वो बोलकर रखे या फिर लिखकर रखे। और मैं इस वक्त अपनी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं अपना नाम ना लेकर के अपने आप को क्या कह देता हूं, आई कहकर संबोधित करता हूं, इसलिए आई को हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट पर्सन। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति अपनी बात पेश करते हैं तो अपने आप को आई कहेंगे या वी कहकर संबोधित करेंगे। जी हाँ, वो अपने आप को हम लोग कहकर संबोधित करेंगे, यानी कि अपने आप को वी कहकर संबोधित करेंगे, इसलिए आई और वी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, यानी कि अपनी बात पेश करने वाला, चाहे वो स्पीकर हो या राइटर हो, जो एक वचन में अपने आप को आई कहकर संबोधित करेगा और बहुवचन में अपने आप को वी कहकर संबोधित करता है। सेकंड पर्सन की हम बात करते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है जिसके सामने बात रखी गई है, वो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। इस वक्त मैं अपनी बात कह रहा हूं, स्पीकर हूं, सुनने वाले व्यक्ति आप लोग जो है मुझे सुनने वाले हैं, तो आप इस वक्त क्या हो गए, सेकंड पर्सन, यानी स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को मैं कह सकता हूं लिसनर, स्पीकर की बात को सुनने वाले लिसनर, वो हमारे क्या है, सेकंड पर्सन। और अगर कोई अपनी बात लिखकर बताता है तो उस लिखी हुई बात को पढ़ने वाले सेकंड पर्सन हो गए, यानी कि मैं कह सकता हूं रीडर, यानी कि लिसनर और रीडर, ये हमारे क्या है, सेकंड पर्सन कहलाते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन, और जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ भी रहे हो तो आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन। और आप लोगों को मैं क्या कहकर संबोधित करूंगा, मैं यू ही कहूंगा, तो यू हमारे लिए क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। और यू का एक वचन बहुवचन यू ही होता है, एक वचन भी यू है और बहुवचन भी यू होता है, इसलिए सेकेंड पर्सन हम लोग यू को मानते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको कहेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूं, स्पीकर, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप सुनने वाले क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी थर्ड पार्टी की, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, मैं कह सकता हूं टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है।
मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन, और हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, वो तीसरा व्यक्ति हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे मैं उस तीसरे व्यक्ति को ही भी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, अगर वो लड़का है तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, ही हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी लड़की की तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, उसे हम शी कहकर संबोधित करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इंसान की बात करें, मैं निर्जीव वस्तु या जानवरों की भी तो बात कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि कल मैं एक मोबाइल लाया था, उस मोबाइल के अंदर ये फीचर्स हैं, तो अब मैं उस मोबाइल की बात कर रहा हूँ, वो मोबाइल थर्ड पर्सन है कि नहीं, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, इट कहकर संबोधित कर सकता हूँ। या मैं किसी जानवर की बात करूँ तो वो भी हमारे लिए क्या है, इट हो गया। और मैं एक से ज़्यादा की बात करता हूँ तो इनका बहुवचन क्या बन जाता है, दे बन जाता है, इसलिए ही शी इट दे, ये हम लोगों के क्या बन जाते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अपनी बात प्रस्तुत करने वाला फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी हो सकता है, सेकंड पर्सन जिसके सामने बात रखी गई है, सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला, दैट इज यू, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या फिर बहुवचन में वो देवी हो सकते हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। और इन तीनों को दर्शाने वाले ये सारे प्रोनाउंस हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो प्रोनाउंस विच आर यूज टू शो थ्री पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि प्रोनाउंस जो इन तीनों पर्सन्स का बोध कराते हैं, यानी कि ये वाले प्रोनाउंस हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं एक वाक्य के अंदर कैसे पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस एक टेबल है आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस की। जैसा कि हमने प्रोनाउंस का जब इंट्रोडक्शन लिया था उस समय पढ़ा था कि प्रोनाउंस जो है वो नाउन के स्थान पर आएंगे, और प्रोनाउंस भी वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक नाउन करता है, यानी कि सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसके साथ हमने बात की थी प्रोनाउन के केस वाक्य के अंदर तीन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो उन्हीं को यहाँ लाकर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन्स का बोध कराने वाले प्रोनाउंस हमारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। और एक प्रोनाउन को तीन केस में डिवाइड कर सकते हैं, वो सब्जेक्टिव रूप उसका, उसका सब्जेक्टिव रूप हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है। और एक प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसका रूप ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। और एक प्रोनाउन जब अधिकार शो करने के लिए इस्तेमाल होता है तो उस रूप को हम लोग पजेसिव केस कह देते हैं। इसलिए तीन यहाँ पर हमने कॉलम बनाए हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के। हर केस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल होगा, सब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर और प्लूरल चलेगा, और उस प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे वहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल होगा, और किसी प्रोनाउन का पजेसिव केस जब बनेगा तो उसका भी सिंगुलर और प्लूरल चलेगा। तो चलिए हम पर्सन प्रोनाउंस को इस टेबल में भरते हैं। सबसे पहले हमने बात की है फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, अपनी बात को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति। यानी कि एक व्यक्ति है तो अपने आप को आई कहेगा सिंगुलर, और वी हमारा क्या हो गया, प्लूरल। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई हमारा एक सब्जेक्ट वाला रूप होता है, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव रूप है। और इस सब्जेक्टिव रूप का प्लूरल क्या होता है, वी। आई और वी दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, इन्हें सब्जेक्टिव केस नाम दिया गया है। और जब इस आई को हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, आई को हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस सिंगुलर, जब इसका ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर बनेगा तो आई का क्या बन जाता है, जी हाँ, मी बन जाता है। आई को जब सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो उसका मी रूप बदलता है। और हम उसका जब पजेसिव बनाएंगे तो आई का पजेसिव केस, जी नहीं, माइन होता है। आई का पजेसिव केस माइन होता है, माय नहीं होता, क्योंकि माय शब्द तो हमेशा नाउन के साथ आने वाला शब्द है, माई हमेशा नाउन के साथ आता है। आप कोई भी सेंटेंस बनाइएगा, माई हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के साथ यूज होने वाले शब्द हमारे लिए प्रोनाउन नहीं हो सकते, वो एडजेक्टिव में चले जाते हैं। हालांकि माई भी अपने आप में क्या है, अधिकार को शो करता है, माई हाउस मेरा घर पजेशन ही है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन ना होकर के पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी इसको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का नाम देंगे, ये हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जो जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं मैं उनको टेबल से बाहर लिखता जाऊंगा, क्योंकि ये टेबल जो है वो प्रोनाउन की है, तो यहाँ केवल वही शब्द आएंगे जो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो शब्द नहीं एडजेक्टिव है मैं उनको बाहर लिखूंगा। तो
तो आई शब्द हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस सिंगुलर आई होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है और उसका पजेसिव केस माइन बनता है। उसी तरह वी है, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी बनता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, प्लूरल अस बनेगा। वी का पजेसिव केस क्या बनेगा, जी नहीं, अगर आप आर लिखते हैं तो आर भी हमेशा क्या होता है, नाउन के साथ आने वाला शब्द है, यानी कि ये किस में चला गया, पजेसिव, एडजेक्टिव में। हम लोग बात कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा आर्स। आर्स जो है वो हमारे लिए पजेसिव प्रोनाउन है और आर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि अगर हम आर का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा नाउन के साथ यूज होगा, आर हाउस, आर स्कूल, आर कंट्री। लेकिन अगर इस नाउन के स्थान पर अगर रखते हैं पजेसिव तो वो आर्स बनकर आएगा, द कंट्रीज आर्स, देश आर्स हमारा है, तो आर्स पजेसिव प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव के सिंगुलर हमारा होता है यू, और यू का बहुवचन भी क्या बनता है, यू ही रहता है, जिसके बारे में, यानी कि यू क्या था, जिसके सामने बात रख रहे हैं वो हमारा यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव यू का यू ही रहता है, एकवचन भी यू और बहुवचन भी यू। यू का पजेसिव क्या बनता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, योर, जी नहीं, योर तो हमारा क्या है, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो हमेशा नाउन के साथ यूज होगा, पजेसिव प्रोनाउन इसका होता है योर्स। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही योर्स बनता है, योर्स हमारा प्रोनाउन होता है और योर हमारा एडजेक्टिव होता है। याद कीजिएगा बचपन में हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, लास्ट में लिखा जाता था योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, हम योर्स करते थे क्योंकि वहां नाउन नहीं था, नाउन के स्थान पर रखना था तो हम योर्स लिखते थे। और अगर मैं नाउन लगा दूं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तब स्टूडेंट नाउन दे दिया तो हम उसको क्या करेंगे, योर करके लिखेंगे। यानी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो, योर भी सही है और योर्स भी सही है, बस इनकी ग्रामर अलग है। योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन लेगा, अगर आप योर लगाना चाहते हैं तो इसको हमेशा नाउन दीजिएगा, योर टीम, योर कंट्री, योर पेरेंट्स, योर विलेज। और अगर नाउन नहीं देना चाहते हैं, इसको प्रोनाउन बनाना चाहते हैं, तो योर्स कीजिएगा, द कंट्री इज योर्स, द टीम इज योर्स, द कैरियर इज योर्स, यानी कि तुम्हारा वाला, योर्स। ये पजेसिव प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर रहेगा और ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन के हमेशा साथ रहेगा, दोनों के इस्तेमाल में अंतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव के सिंगुलर में क्या हो सकता है, ही, जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। वो लड़का भी हो सकता है ही, लड़की भी हो सकती है जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, शी, और कोई निर्जीव वस्तु जानवर भी हो सकता है जिसको मैं इट कह सकता हूँ। और सब्जेक्टिव केस में प्लूरल अगर है तो प्लूरल क्या बनता है, जी हाँ, दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इस सब्जेक्टिव केस, सबसे पहले हम बात करते हैं ही की, ही को सब्जेक्टिव केस से उठाकर अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाऊं, ये सब्जेक्टिव केस सिंगुलर है, इसको मैं ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा इसका, हिम, ठीक। और अब इस ही को मैं पजेसिव केस बनाऊं तो क्या बनेगा, हिज, ही का पजेसिव केस हिज होता है। और हिज एक एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, उसका भी रूप हिज ही रहता है, हिज प्रोनाउन के तौर पे भी हिज ही रहेगा, एडजेक्टिव के तौर पे भी हिज ही रहेगा, बस आपको देख लेना है अगर नाउन के साथ आया है तो क्या बन जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन के स्थान पर नाउन के बिना आया है तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, दोनों में ही रूप हिज का सेम रहता है। नेक्स्ट शी की बात करते हैं, शी को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या बनेगा, हर, और शी का जब हम पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हर ना बन करके इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, हर्स इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है। और अगर आप सिर्फ हर लिखोगे पजेसिव एडजेक्टिव, वो हमारा होता है हर, हर हाउस, हर कंट्री, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड, तो हर अगर नाउन के साथ है तो ये हमारा क्या बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसका पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो वो हर्स बनता है। नेक्स्ट इट, इट को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या रहेगा, इट ही रहता है। इट का पजेसिव प्रोनाउन अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा, इट्स, बिल्कुल इट्स बनता है, लेकिन इट्स जो है वो हमेशा नाउन के साथ आने वाला शब्द है, इट्स जो है वो हमेशा नाउन के साथ आने वाला शब्द है, तो इट्स तो हमारा क्या हो गया, पजेसिव
एडजेक्टिव और इट्स का पजेसिव प्रोनाउन अगर इसका हम बनाएंगे, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, ये ऐसे कैसा ही रहेगा, इसका पजेसिव प्रोनाउन हम लोग नहीं बना सकते। यानी इट का सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस बनता है प्रोनाउन में, इट ही रहेगा जो कि, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन ना बन के ये सीधा पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं दे की। दे जो कि सब्जेक्टिव केस प्लूरल है, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या बनकर जाएगा, देम। और इस दे का पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये बनता है पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। अगर आप सिर्फ देयर लिखते हो टी एच ई आई आर, तो ये देयर तो हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका प्रोनाउन देयर्स बनता है। ये टेबल के बाहर जितने भी शब्द है ये सब हमारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि इनमें से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करोगे तो उसको तो नाउन देना ही पड़ेगा, यानी नाउन के साथ इस्तेमाल करना है तो इनका प्रयोग होगा। अगर आपने इनका नाउन हटा दिया तो इनको प्रोनाउन बनाना है तो प्रोनाउन ये फिर इस रूप में आएंगे। अब अगर मैं सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करूँ तो आप पहचान सकते हो, उनका प्रयोग सही कर सकते हो। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं इस तरफ और ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ये पूरी टेबल हमारी प्रोनाउंस की है और इसके बाहर जो है वो एडजेक्टिव हैं, तो यानी कि इनके बाहर जो शब्द हैं उनका अगर प्रयोग हुआ है तो उनके साथ नाउन होना अनिवार्य है। तो अब मैं कुछ सेंटेंस में इनका प्रयोग करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि वाक्य में इनका प्रयोग सही तरीके से हुआ है या गलत तरीके से हुआ है। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज माय बुक एंड दैट इज योर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माय। माय हमारा क्या था, एक एडजेक्टिव था या फिर प्रोनाउन था? जी हाँ, हमने टेबल में बात की थी माय प्लस नाउन, यानी माय जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव था। ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा नाउन के साथ आएगा पजेसिव एडजेक्टिव बन के। चेक करते हैं माय बुक, इसके साथ आपका नाउन मौजूद है, यानी कि यहाँ माय का प्रयोग सही हुआ है। माय पजेसिव एडजेक्टिव है, हमेशा नाउन के साथ आता है और नाउन इसको यहाँ पर हमने दे रखा है। एंड दैट इज योर्स, और वो तुम्हारी वाली है। योर्स पे गौर कीजिएगा, योर्स, योर और योर्स में अंतर था। योर हमारा क्या था, एडजेक्टिव। अगर मैं योर लिखता तो हमें नाउन देना पड़ता, यानी कि मैं इसको यूं भी लिख सकता था योर बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, एंड दैट इज योर बुक, और ये तुम्हारी बुक है। तो अगर मैं योर लिखता तो उसको नाउन देना पड़ता मुझे, तो या मैं ऐसे लिख सकता था, ये भी सही था योर बुक। एक बार अगर हमने नाउन का प्रयोग कर लिया है तो दोबारा हम उस नाउन का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर क्या कर देते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, योर्स का प्रयोग कर दिया है कि दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है, एंड दैट इज योर्स, और वो तुम्हारी वाली है। अब योर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स ये नाउन के स्थान पर ही आता है और नाउन के स्थान पर इसके पास कोई नाउन नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। तो यानी योर और योर्स दोनों के इस्तेमाल में अंतर है। अगर मैं योर लिखूंगा तो इसको बुक नाउन दूंगा, और अगर बुक नहीं देना चाहता यानी नाउन के स्थान पर रखना चाहता हूं तो योर्स बनकर आएगा। ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर हाउस इज गुड, योर का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव था, इसको नाउन चाहिए, आगे हमने नाउन दे रखा है। योर हाउस इज गुड, तुम्हारा घर अच्छा है। बट हर इज नॉट, लेकिन उसका वाला अच्छा नहीं है, उसका वाला, अब हमें पजेसिव चाहिए और पजेसिव यहाँ कोई नाउन नहीं है, यानी पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। हर पजेसिव प्रोनाउन था क्या? जी नहीं, हर पजेसिव प्रोनाउन नहीं था। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। हर तो पजेसिव एडजेक्टिव था जो नाउन के साथ आता है। अगर मुझे यहाँ हर रखना है तो उसको नाउन देना ही पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा हर हाउस इज नॉट, लेकिन मैं सिर्फ नाउन नहीं रखना चाहता, मैं सिर्फ प्रोनाउन रखना चाहता हूँ, तो पजेसिव रूप इसका क्या बनेगा, हर्स बनेगा। नेक्स्ट है, हर कार इज नाइस, उसकी कार अच्छी है। बट देर आर नॉट गुड, लेकिन उनकी अच्छी नहीं है। हर कार इज नाइस, उसकी कार अच्छी है। हर कार, हर मैंने क्या दे रखा है, आगे इसको नाउन दे रखा है, यानी हर एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन तो हर्स होता है। हर अगर यूज करना है तो नाउन देना पड़ेगा, और हर को मैंने कार नाउन दे रखा है, यानी यहाँ हमारा सही है। हर कार इज नाइस, उसकी कार अच्छी है। बट लेकिन देयर आर नॉट, उनकी वाली अच्छी नहीं है। तो अब देयर, यहाँ पे हमें पजेसिव चाहिए, नाउन मौजूद है क्या, नहीं है, यानी हमें पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, और पजेसिव प्रोनाउन देयर ना होकर के क्या होता है, देयर्स होता है। देयर्स आर
नॉट गुड, लेकिन उनकी वाली अच्छी नहीं है, क्योंकि ये देयर तो सिर्फ नाउन के साथ आता है पजेसिव एडजेक्टिव बनकर। अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ हमें नाउन देना पड़ेगा, और अगर नाउन नहीं देना चाहते हैं प्रोनाउन बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, देयर्स बनना है। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस को पढ़ते समय कि पजेसिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आएंगे और पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आने हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन्स किस तरह से वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, कैसे उनका रूप बदलता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, और कौन से शब्द हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंस हैं जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन्स का इस्तेमाल हुआ है, चलिए देखते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट आई, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। प्रोनाउन्स क्या हैं, दे और आई, ये दो प्रोनाउन्स हमने इस्तेमाल करे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट आई, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस सही है या गलत है? जी हाँ, सेंटेंस यहाँ पर गलत है। दे आर टॉकिंग अबाउट आई, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट वाला रूप है, और आई भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट वाला रूप ही है। अब यहाँ दे तो हमारा सही है क्योंकि आर हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो हमें दे जो है सब्जेक्ट वाले रूप में ही चाहिए और हमने सब्जेक्ट वाले रूप में ही किया है, यहाँ तो हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट आई, यहाँ पर आई आना सही है क्या? उससे पहले क्या मौजूद है, अबाउट एक शब्द मौजूद है। ये शब्द क्या होता है, अबाउट हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, बिटवीन हुआ, फॉर हुआ, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। प्रेपोजिशंस के आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे, यानी कि इस वक्त ये अबाउट हमारा क्या है, एक प्रेपोजिशन है। देखिए, कहीं भी आपको प्रेपोजिशन नज़र आ जाए और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आपको अगर प्रोनाउन लगाना है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट वाले रूप में ना हो करके कौन से रूप में होता है, ऑब्जेक्ट वाले रूप में होता है। तो अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमें प्रोनाउन लगाना है तो ये ऑब्जेक्ट वाले रूप में होना चाहिए था, यानी कि मी बनकर आता तो हमारा सेंटेंस सही होता। यानी कि अबाउट के बाद में आई ना करके हम लोग क्या करेंगे, मी करेंगे, क्योंकि अबाउट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में होता है, सब्जेक्ट वाले रूप में हम उसका प्रयोग नहीं करते। सेंटेंस हमारा सही क्या होगा, दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, एलजेब्रा क्लास इज बेस्ट फॉर शी, एलजेब्रा क्लास जो उसके लिए सबसे अच्छी है। कोई प्रेपोजिशन है क्या, जी हाँ, फोर हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन हो तो वो सब्जेक्ट वाले रूप में होता है, ऑब्जेक्ट वाले रूप में, जी हाँ, ऑब्जेक्ट वाले रूप में उसको होना है। यहाँ पर शी हमारा सही है क्या, जी नहीं, इसको ऑब्जेक्ट वाले रूप में होना चाहिए था, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। एलजेब्रा क्लास इज बेस्ट फॉर हर, अब हमारा सेंटेंस सही है। थर्ड है, शी इज लिविंग विद हिम, वो उसके साथ रह रही है। शी हमारा क्या है, प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट वाले रूप में होना सही है क्योंकि वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट वाला रूप, सब्जेक्ट हमारा है। कोई प्रेपोजिशन है क्या, विद, ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही आना है, और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का रूप ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है। तो यानी कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही है, ये सेंटेंस हमारे लिए सही है, शी इज लिविंग विद हिम। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन यू एंड आई, प्रॉफिट जो है वो तुम्हारे और मेरे बीच में बांटा जाता है। कोई प्रेपोजिशन है, जी हाँ, बिटवीन हमारी क्या हो गई, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन हो तो वो किस रूप में होता है, ऑब्जेक्ट वाले रूप में। हमने दो प्रोनाउन रखे हैं, यू एंड आई, अब यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट का भी यू, यानी ये तो हमारा सही है क्योंकि सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। लेकिन आई का ऑब्जेक्ट आई ना रह करके क्या होता है, मी, तो यानी यहां पर मैं अगर मी करूंगा तो हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा, प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन अपने बाद में प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट रूप में लेती है, यानी कि अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही होगा, ना कि सब्जेक्ट वाले रूप में। काफी बार प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन अपने बाद में अगर प्रोनाउन लेगी तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही लेनी है। दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द स्टेज बट आई।
सेकंड है, नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द स्टेज बट आई कैन, किसी को भी स्टेज पर आने की परमिशन नहीं है सिवाय मेरे, या कोई भी स्टेज पर नहीं आ सकता लेकिन मैं आ सकता हूं। दो सेंटेंस हैं आपके, दोनों ही सही हैं क्या? एक बार गौर कीजिएगा सेंटेंसेस के ऊपर, दोनों ही सेंटेंस सही हैं क्या? जी नहीं, यहां दोनों सेंटेंस सही नहीं है, यहां एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है। यहां पे दोनों ही वाक्यों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है बट, दोनों ही वाक्यों में मैंने बट का यूज किया है, ऊपर भी बट इस्तेमाल हुआ है और नीचे भी बट का प्रयोग हुआ है। अब बट जो है वो वाक्य में दो काम कर सकता है, बट जो है वाक्य में दो काम कर सकता है, यानी कि बट जो है वो एक प्रेपोजिशन बनकर भी इस्तेमाल होता है, और बट जो है वो वाक्य के अंदर कंजंक्शन बनकर भी इस्तेमाल होता है। बट दो काम कर सकता है, वो कंजंक्शन भी बन सकता है, और बट जो है वो प्रेपोजिशन भी बन सकता है। बट जब कंजंक्शन बनता है तो उसका मीनिंग निकलता है लेकिन, जिसको हम कह देते हैं हिंदी में बट, अगर कंजंक्शन बनता है तो ही उसका मीनिंग लेकिन से निकलता है। लेकिन बट जब प्रेपोजिशन बनता है तो उसका मीनिंग निकलता है हिंदी में सिवाय। बट जब एक प्रेपोजिशन का काम करेगा तो उसका हिंदी में अर्थ निकलेगा सिवाय, और बट जब एक कंजंक्शन बनकर आएगा तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है लेकिन। अब बट जो है कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों बन सकता है, बट जब प्रेपोजिशन बनेगा तो उसके बाद में अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो किस रूप में लगाओगे? क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपने बाद में कैसा प्रोनाउन लेती है? ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही लेती है। यानी बट अगर एक प्रेपोजिशन बनकर इस्तेमाल हुआ है तो वो अपने बाद में प्रोनाउन कैसा लेगा? अगर लेगा तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में। लेकिन बट अगर कंजंक्शन बना है तो फिर ऑब्जेक्ट वाले रूप में लेगा क्या? तब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाले रूप में नहीं लेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि बट कब कंजंक्शन बनेगा और कब प्रेपोजिशन बनता है? देखिए बहुत ही सीधा सिंपल सा है, कंजंक्शन किसको कहते हैं? जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कह देते हैं? कंजंक्शन। और बट जब कंजंक्शन बनता है तो ये दो क्लास या दो वाक्यों को जोड़ेगा, और कोई भी वाक्य बनाने के लिए या क्लास बनाने के लिए कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? दो की, यानी कर्ता और क्रिया। तो यानी कि बट जब कंजंक्शन बनेगा तो अपने बाद में सब्जेक्ट और वर्ब तो लेगा ही लेगा, क्योंकि बट जो है दो वाक्यों को जोड़ेगा या दो क्लास को जोड़ेगा, और वाक्य या क्लास बनाने के लिए कम से कम कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। यानी कि वाक्य में बट के पश्चात अगर कर्ता और क्रिया दे रखे हैं, यानी कि तब बट क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, और उस वक्त उसका मीनिंग किससे निकलेगा? लेकिन से। लेकिन अगर बट के बाद में कोई कर्ता क्रिया नहीं है, यानी कि क्रिया नहीं है, सिर्फ शब्द है, शब्दों का समूह मात्र है, तो बट क्या माना जाएगा? प्रेपोजिशन माना जाएगा, और उस वक्त उसका मीनिंग किससे निकलेगा? सिवाय से। और जब प्रेपोजिशन बन गया उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट वाले रूप में। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस के ऊपर गौर करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द स्टेज, किसी को भी स्टेज पर आने की परमिशन नहीं है बट आए, लेकिन मैं आ सकता हूं या सिवाय मेरे। अब बट के पश्चात कोई कर्ता या क्रिया है क्या? नहीं है। बट के बाद में सिर्फ आई मौजूद है, कोई क्रिया है क्या? नहीं है। यानी बट के बाद में कर्ता और क्रिया मौजूद नहीं है, सिर्फ एक शब्द मौजूद है। तो अब बट को मैं कंजंक्शन मानू या प्रेपोजिशन? जी हाँ, अब ये क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है? एक प्रेपोजिशन बनकर इस्तेमाल हुआ है, और प्रेपोजिशन बनेगा तो अपने बाद में जो प्रोनाउन लेगा तो वो किस रूप में लेगा? ऑब्जेक्ट वाले रूप में। यानी ये वाक्य हमारे लिए गलत हो गया। तो अब हमें बट के पश्चात क्या रखना है? मी रखेंगे तो ही सेंटेंस सही होगा। तो अब बट का मतलब सिवाय से है, सिवाय मेरे। सेंटेंस है, नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द स्टेज, किसी को भी स्टेज पर आने की परमिशन नहीं है बट मी, सिवाय मेरे। अब सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि बट हमारा क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही होता है। सेकेंड सेंटेंस हमारे लिए सही है। क्यों है सही? देखिएगा, नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द स्टेज बट आई कैन, लेकिन मैं आ सकता हूं। बट के बाद में आई कैन,
कैन क्या हो गया वर्ब और आई इसका क्या हो गया सब्जेक्ट, यानी अब बट के बाद में कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, तो अब हमारा बट क्या बनकर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, जी हाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। और जब कंजंक्शन का काम करेगा तो अपने बाद में प्रोनाउन लेगा, वो किस रूप में लेगा सब्जेक्ट का, क्योंकि आगे क्या मौजूद है क्रिया, और क्रिया को तो अपना कर्ता चाहिए जो कि कर्ता के रूप में ही होगा, तो अब हमारा आई आई के रूप में ही रहेगा, सेंटेंस हमारा सही है। ठीक, तो बट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर बट अपने बाद में कर्ता क्रिया लेगा तो इट मीन्स वो कंजंक्शन है, और अगर कर्ता क्रिया नहीं है तो वो क्या है हमारे लिए प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन लगाना है तो वो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही लगना है। हम बात करते हैं अब देन की, टी एच ए एन देन। एक होता है टी एच ई एन देन, तब या जब हम उसको कह देते हैं, वो टाइप के संदर्भ में आता है। ये है टी एच ए एन देन, जो कि तुलना करने के लिए आता है। कई बार इस देन के साथ भी क्वेश्चन बन गया है प्रोनाउन को लेकर के। देन अगर आपके पास मौजूद है और देन के पश्चात आपको अगर प्रोनाउन रखना है तो वो आप सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यानी कि देन के पश्चात अगर आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो वो सब्जेक्ट के रूप में होगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। देखिए, देन के पश्चात प्रोनाउन जो है वो दोनों रूपों में हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कैसे देखते हैं, मैं सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, दो सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है My father likes my sister more than I, and second is I am better than him. दोनों ही वाक्यों में हमने then का प्रयोग किया है। ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें पहले, My father likes my sister more than I. मेरे फादर जो है मेरी सिस्टर को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय मुझसे। then के पश्चात मैंने सब्जेक्ट वाला रूप रखा है या ऑब्जेक्ट वाला रूप रखा है प्रोनाउन का? जी हाँ, आई मैंने सब्जेक्ट वाला रूप रखा है। सेंटेंस सही है या गलत है? इस वक्त ये सेंटेंस गलत है, ये आई का रूप यहां पर आना गलत है, यानी आई जो है ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, अब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। क्यों? देखिए, देखते हैं। माई फादर लाइक्स माई सिस्टर मोर देन आई, मेरे पिताजी जो है मेरी सिस्टर को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय मुझसे। अब यहां तुलना किस किस के बीच में हो रही है? मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों में से मेरे पिताजी मेरी सिस्टर को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि तुलना मैं सिस्टर से कर रहा हूं। ठीक, और सिस्टर जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, यहां पर क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो क्या है, माई फादर है। ठीक, किसको पसंद करते हैं? माई सिस्टर। सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि इस वक्त मैं तुलना किससे कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट से तुलना कर रहा हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट से तुलना की जाती है तो देन के पश्चात प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट वाला रूप ही आएगा, ना कि सब्जेक्ट वाला। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? मी, क्योंकि तुलना हम किसकी कर रहे हैं? माय सिस्टर से, और माय सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं देन के पश्चात जो शब्द है आपको देखना पड़ेगा उसकी तुलना किसके साथ हो रही है। अगर उसकी तुलना ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है तो उसको भी किस रूप में होना है? ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही होना है। अगर इसकी तुलना मैं ऑब्जेक्ट से ना करके सब्जेक्ट से करता तो मेरा सब्जेक्ट वाले रूप में होता, जैसा कि नीचे वाले सेंटेंस में है। आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। देन के पश्चात हमने क्या लगाया है? हिम। हिम की तुलना किससे कर रहा हूं मैं? आई से, कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। यानी और आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब देन के पश्चात जो प्रोनाउन है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? सब्जेक्ट से। तो यहां भी क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट वाला रूप ही होना चाहिए था। ही के स्थान पर क्या होगा? ही का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? सब्जेक्ट से। तो सीधी सी बात यह है, देन के पश्चात सब्जेक्ट वाला रूप भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट वाला रूप भी हो सकता है। डिपेंड करेगा तुलना किसके साथ करते हो। अगर सब्जेक्ट से तुलना करते हो तो देन के पश्चात सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही आएगा, और अगर उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से करते हो तो देन के पश्चात ऑब्जेक्ट वाला ही केस आना है। ठीक है,